Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब जो लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेशन। Now what is respiration? Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है? और एनर्जी के लिए हम फूड इनटेक करते हैं। सो जो हम फूड ले रहे हैं और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो फूड को बर्न करने में हेल्प करती है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो ये जो ब्रेकडाउन बर्निंग होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये एडीपी मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, जिनको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है? सो हमारी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एडीपी जो होता है और फॉस्फेट जो होते हैं वो रिएक्ट करके रेस्पिरेशन से एनर्जी लेते हैं और अल्टीमेटली एटीपी फॉर्म करते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है हमारे आगे के काम करने के लिए। सो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। जनरल टर्म्स में हम यही कहते हैं, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। केमिकल टर्म्स में इस तरीके से हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं। Fine. So, energy it is stored in the cell in the form of ATP molecule. जो energy आई respiration से ATP में convert होके वो store हो गई ATP. ठीक है? Now when the cells need energy, जब हमें काम करने के लिए energy की जरूरत पड़ती है, cells को energy की जरूरत पड़ती है, so ATP का breakdown हो जाता है water की presence में, फिर से ADP में और energy release हो जाती है। ATP वाटर के प्रेजेंस में एडीपी और एनर्जी में फॉर्म होता है। अब इस एनर्जी को हम यूज करते हैं। दिस इज द यूजेबल एनर्जी फॉर्म, ठीक है? सो इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टू मेन टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इससे क्या होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होती है, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ज्यादा एनर्जी देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में यही टाइप की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसको कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है? और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पाइरूवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के अंदर अगर है तो वो पाइरूवेट में बदल गया, और पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में बदल गया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो है लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन कम अमाउंट में, और ये मसल सेल्स और ईस्ट में होती है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है मसल सेल्स की, उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है अभी साइटोप्लाज्म में, और पाइरूवेट में बदल गया। अब पाइरूवेट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस
सब्सटेंस ने मसल सेल्स के अंदर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लिया, ठीक है। सो ये डिफरेंस है पाइरूवेट के कन्वर्जन, ठीक है। पाइरूवेट जो है वो अगर प्रेजेंस में होता है तो वो एरोबिक है, अगर एब्सेंस में है तो एनएरोबिक। नाउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ईस्ट में होती है, अभी हमने मसल सेल्स की बात की, ईस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरूवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इसमें लैक्टिक एसिड में होता है, इसमें इथेनॉल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी ये तो होते ही, ठीक है। अब इसे कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, को कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूवेट में और पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी एंड अनदर इथेनॉल। ऐसे ही इस केस में इट वाज लैक्टिक एसिड एज वेल, ठीक है। सो नाउ अब हम इस पूरे प्रोसेस का एक समरी देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन अलग अलग पाथवे से किस तरीके से होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेक होता है, कन्वर्ट होता है और साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, पाइरूवेट प्लस एनर्जी में चेंज होता है। अब पाइरूवेट को ब्रेक होने के तीन अलग अलग तरीके हैं, या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, या फिर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल सेल्स की बात हो रही है, लैक्टिक एसिड और एसिड और एनर्जी में चेंज हो सकता है, या फिर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट के अंदर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज अलग अलग पाथवे से कन्वर्ट होता है।